हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं यूनिक सुमित, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एसआर टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज का युग और आने वाली युग साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज है। आप जितने जल्दी साइंस और टेक्नोलॉजी को समझ पाओगे, उतने जल्दी आप लोगों से आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आने वाले टाइम पूरा ही साइंस और टेक्नोलॉजी पर निर्भर होगा दोस्तों, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी आज के युग में बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आप जितने काम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, आप सब साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ही कर रहे हो। और आने वाले टाइम में कि फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI की मदद से सब काम होगा दोस्तों। तो ऐसे ही मैं चर्चा करूंगा कि जितने पर्सन फ्यूचर में जो सक्सेस हुआ है सब साइंस और टेक्नोलॉजी का पर्सन है, और साइंस और टेक्नोलॉजी के यूज कर करके रिचेस्ट हुआ है। तो आप भी साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करें और अपने जीवन में जितना जल्दी यूज कर सकते हो उतना जल्दी आप लोग से आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। तो आज की मैं एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में भाई बताऊंगा जिसकी मदद से आप कोई भी काम कर सकते हो, ब्लॉग लिखा सकते हो, कोडिंग करा सकते हो, मैथ का प्रॉब्लम हिसाब सॉल्व करा सकते हो। एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो करंटली जो अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में आ रहा है, जो 2022 नवंबर महीना में जो एलन मक्स का कंपनी है उसने जो रिलीज किया है, अभी फिलहाल उसको फ्री में ही आप यूज कर सकते हो, और बाद में आप इसको आपको शायद कॉस्ट पे करना पड़ेगा या ना करना पड़ेगा वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल अभी आप उसको फ्री में यूज कर सकते हो। एक ऐसा इंटेलिजेंट जो आप जो बोलोगे वो कर देगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। उसका नाम क्या है, उसका कैसा इंटरफेस है, क्या करना पड़ता है, वो कैसे चलाएगा, मैं आज के वीडियो में आपको एक एक कर करके मैं बताऊंगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फ्यूचर में क्या बदलाव ला सकता है, कैसे कर सकता है मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो में मैं बताऊंगा वो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में। पहले ही बोल दिया था कि बहुत सारा है, वो काम कर सकते हैं दोस्तों, कि आप ब्लॉग लिखा सकते हो, एसे राइटिंग, आर्टिकल, न्यूज, आपका डिटेल भी दे देगा दोस्तों, कि आप सिर्फ आप उससे पूछे कि मेरा नाम क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ सब चीज़ वो कह देगा कि कैसे आप कहाँ पे वो कहाँ लोकेशन है सब चीज़ वो बोल देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI के बारे में मैं जानता हूँ। तो AI के बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को भी दबाएं दोस्तों। बेल आइकन को खुद दबाएं दोस्तों कि जब भी मैं YouTube पर नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसीलिए दोस्तों मैं इसी तरह टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो है स्टार्ट कर। ओपन सोर्स का नाम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का नाम है ChatGPT। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि ChatGPT क्या है। GPT यूज करने के लिए आपको openai.com पर आना पड़ेगा, और ऊपर ही आप देख रहे हैं ट्राई का ऑप्शन मिल रहा जाएगा आपको, और आपको इधर से साइनिंग करना पड़ेगा, और नीचे से आप साइनिंग कर सकते हैं। इधर पे साइनिंग पे क्लिक करके आप अपनी गूगल अकाउंट से, कंटिन्यू विथ गूगल अकाउंट से आप साइनिंग कर सकते हैं। इधर जीमेल से आप अपनी साइनिंग हो जाएगा आपका अकाउंट। आप इसे फ्री में यूज कर सकते हैं। आज के इसके यूज करके आप क्या क्या काम कर सकते हैं, इसका क्या क्या कैपेबिलिटी है, इसका क्या क्या लिमिटेशन है, आप इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल के तौर पे इस पर दे दिया गया है। और आप जो कमांड दीजिएगा वो उस कमांड के मदद से ये आपका काम बहुत सारा इजली कर देगा। और आप कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप नीचे इधर टाइप करके पूछ सकते हैं। आज मैं बेसिक से सिखाऊंगा तो एक क्वेश्चन टाइप कर लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आप मेरा रिजल्ट इधर शो हो रहा है, और इस रिजल्ट का आप फॉन्ट वॉन्ट कुछ चेंज करना चाहते हो तो इधर से चेंज कर सकते हो। देखिए, ये मेरा पहला वाला आंसर था और इस साइड में मेरा जो नया आंसर आया है आप इधर से चेंज कर सकते हो। आप इस तरह से चार्ट करेगा तो आपको इधर एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। आपको इसको रीनेम भी कर सकते हैं, कोई भी कोडिंग के लिए, मैथ के लिए, ब्लॉग के लिए, वीडियो के लिए कोई भी कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं मैथ के लिए एक नाम दे देता हूँ।
इसी चार्ट में आप जो चाहे वो चार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नया चार्ट क्रिएट करना है तो यहाँ से आप नया भी चार्ट क्रिएट कर सकते हो, और फिर से आपको वही चार्ट पे जाना है तो उधर से भी आप जा सकते हो और यहाँ भी टाइप कर सकते हो। और फिर मैंने कुछ क्वेश्चन टाइप कर लिया और देखिए मेरा इधर पे आंसर आना स्टार्ट हो गया। इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इससे ब्लॉग लिखा सकते हैं, कोडिंग भी करा सकते हैं, राइटिंग मैथ का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करा सकते हैं। बहुत सारा ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो आपका काम बहुत इजी कर देगा। जैसे कि मुझको एक ऐसे लिखना है, कोई एक ऐसे लिखना है, चलो मैं इंडिया पे आज ऐसे लिख रहा हूँ, तो एक मैं इधर पे इंडिया पे ऐसे लिख लिया और इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद देखिए ये फटाफट से मुझे इंडिया के बारे में ऐसे लिख रहा है, और ये ऐसे बिल्कुल यूनिक ऐसे है या किसी वेबसाइट से कॉपी करके नहीं लिख रहा है। ये ऐसे आप जहाँ चाहे उसे पे आप यूज कर सकते हैं, आप अपनी ब्लॉग पे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको चेक करने के लिए कॉपी है कि नहीं मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिलहाल सेलेक्ट इस तरीका से मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको चेक कर रहा हूँ कि ये कॉपी करके लिखा है या नहीं। तो चलिए मैंने एक कॉपी कर लिया और यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पेस्ट किया और देखिए क्लिक करने के बाद देखिए ये दिखा देगा कि ये कॉपी राइट है या नहीं। तो ये देखिए फिलहाल 100% ये कॉपी राइट नहीं है, ये यूनिक है इसीलिए ये दिखा रहा है। ये बिल्कुल यूनिक है, आप इसको जहाँ भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी ब्लॉग पे भी यूज सकते हैं, कोरा पे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से आप अपने लिए एक वेबसाइट के लिए कोडिंग का कमांड दे रहा हूँ, देखिए ये मेरे लिए कोडिंग कर रहा है अभी HTML का फॉर्म में, देखिए। और इस कोडिंग के मदद से मैं एक वेबसाइट है वह मैं बना सकता हूँ। तो चलिए मैं एक बिजनेस प्लान के लिए कमांड दिया रहा हूँ, तो मैंने बिजनेस प्लान के लिए एक कमांड दिया और ये देखिए कैसा यूनिक टाइप का बिजनेस प्लान है वो मुझे लिख के टाइप करके मैं मुझको दे रहा है। देखिए देख सकते हैं आप कितना सारा प्लान है जो ये मुझे टाइप करके दिखा दिया। इसी तरह से आप बहुत सारा बिजनेस प्लान ब्लॉग टाइप करा सकते हैं, प्लान टाइप करा सकते हैं, या आप कोडिंग भी करा सकते हैं, आर्टिकल लिखा सकते हैं। इसी तरह से आपको एक बिजनेस प्लान अच्छा नहीं लगा तो आप इसे रीजनरेट करके, आपको इस रीजनरेट करने के बाद आपको ये प्लान फिर से नया मॉडिफाई करके ये आपको जो प्लान है वो आपको लिख देगा। देखिए मैंने किया और देखिए मेरा प्लान है इतना सारा फिर से मुझको जो टाइप करके वो दिखा रहा है। चलिए मैं फिर से एक चार्ट कर रहा हूँ एफिलिएटिंग मार्केट के बारे में, और देखिए इधर पे मैं मेरे को एफिलिएटिंग मार्केटिंग के बारे में बहुत सारा वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और इसे कॉपी करके आप अपनी ब्लॉग पे यूज कर सकते हो। आपको कोई प्लान चाहिए तो इसे टाइप कर सकते हो। तो चलिए आज मैं अपने बर्थडे के लिए एक प्लान टाइप कर रहा हूँ, तो देखिए मेरा बर्थडे के लिए मैंने प्लान टाइप किया और इतना सारा प्लान है वो मुझे टाइप करके यानी कि कमांड शो करके दिखा रहा है। तो चलिए मैं फिर से एक जो प्लान है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए देख सकते हैं कितना सारा जो वो प्लान है वो मुझे शो कर रहा है, कितना सारा आप भी खुद देख सकते हैं। इसी तरह से बहुत अच्छा ये प्लान ब्लॉग आर्टिकल न्यूज ऐसे बहुत सारा कोडिंग भी कर सकते हैं इसी ये। तो चलिए मैं इसको अपनी ब्लॉग के लिए यूज कर रहा हूँ, तो ये देखिए मैं यहाँ कोरा पर आ गया हूँ और इधर पे मैं अपनी ब्लॉग के लिए यूज कर रहा हूँ इसको। चलिए मैं पोस्ट पे क्लिक किया, पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इससे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया और आक्स कर दिया, और देखिए क्वेश्चन तो सेलेक्ट करने के बाद आंसर भी देना पड़ता है। तो इधर से इतना सारा अच्छा आर्टिकल है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इधर से आप इमेज को ऑप्शन भी एड कर सकते हो। देखिए मैंने जो ब्लॉग है वो तैयार हो गया और मैं सबमिट कर रहा हूँ, देख सकते हैं मेरा ब्लॉग है वो अभी सबमिट होकर मेरे पेज पर आ गया है। मैं फिर से एक चार्ट कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ हाउ टू फाइंड मनी, देखिए फाइंड कैसे मनी कर रहा है उसके बारे में मुझे को डिटेल में ये देखिए आर्टिकल जो लिख रहा है, देख सकते हैं आप कि कैसे मैं मनी गेन कर सकता हूँ उसके बारे में ये मुझको डिटेल में जो आर्टिकल लिख के दिया है, और इसे मैं कॉपी करके फिर से मैं सबमिट कर रहा हूँ। इसी तरह से आप अपनी ब्लॉग पर भी इसे टाइप करा के यानी कि लिखा के आप यूज कर सकते हो, इससे आप बहुत सारा काम है वो करा सकते हैं, अपने लिए आर्टिकल लिखा सकते हैं, ब्लॉग लिखा सकते हैं, न्यूज़ भी लिखा सकते हैं, कोडिंग करा सकते हैं। एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग नहीं आता है तो ये आपको सिंपली कोडिंग ये आपको लिए कर देगा, और इससे मदद से आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं, मैथ का भी सोल्यूशन कर सकते हैं। ये इतना अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो अभी 2022 की नवंबर महीना में जो लॉन्च किया गया है,
इसकी मदद से आप अपने काम जो बहुत इजी से करा सकते हो और टाइम के सेविंग कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इसमें तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं इसके कमेंट के देख के आपको सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैंने जैसे आपको बताया कि चैट जीपीटी की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो, अगर आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो इसके फ्यूचर में बहुत सारा आपको लाभ दे सकता है, पैसा कमाने के लिए यूज कर सकते हो। अगर से आप ब्लॉगर हो तो आप ब्लॉगर हो।